फाइनली शिखर धवन की सेना ने लंका का दहन कर ही दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब टॉस हुआ तो वही हुआ जो विराट कोहली पिछले कुछ मैचों से करते आ रहे हैं। मतलब इतना टॉस कौन हारता है यार। मुझे तो लगता है इंडियन टीम सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग का प्रैक्टिस करते हैं, टॉस का प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। टॉस का भी प्रैक्टिस किया करो यार। टॉस होने के बाद जब प्लेइंग 11 सामने आया तब इंडियन फैंस का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का था। कुलदीप को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि मैं प्लेइंग 11 में हूँ। और भाई साहब ने दो विकेट भी निकालिए, वो भी एक ओवर में। इसके अलावा चहल और चहर को भी दो दो विकेट मिला और दोनों पांड्या ब्रदर्स को भी एक एक विकेट मिला। बट हमारे वॉइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार को एक भी विकेट नहीं मिला यार, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत तकलीफ होती है जब सारे बॉलर्स को विकेट मिली हो लेकिन आपको नहीं। श्रीलंका ने शुरुआत तो अच्छी की थी, फिर भी 50 ओवर में 262 रन ही बना पाई। 263 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम जिस अंदाज में शुरू किया उसी अंदाज में ख़त्म भी किया। पृथ्वी शॉ के बारे में जितना तारीफ करो कम ही है। भाई साहब का आईपीएल का नशा अभी तक उतरा ही नहीं है, इसलिए वनडे में भी T20 जैसा बैटिंग कर रहा था। उसके आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर आता है ईशान किशन। और आप लोगों को तो पता ही है जो आजकल इंडिया टीम के लिए डेब्यू करता है वो कम से कम 50 तो मारता ही है। ये उनका डेब्यू मैच था प्लस बर्थडे भी था, तो उन्होंने हाफ सेंचुरी मार के अपने आप को बर्थडे गिफ्ट दे दिया। इतना हिम्मत कहाँ से आता है इस बल्लेबाज में। T20 डेब्यू में भी हाफ सेंचुरी जड़ा था और श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू में भी छक्के के साथ खाता खोला और तो और बैक टू बैक दो चौका लगाकर 50 रन पूरा किया। ईशान किशन के आउट होने के बाद मनीष पांडे आता है और वो भी आईपीएल का फॉर्म जारी रखता है और स्लो पारी खेल के आउट हो जाता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आता है और आते ही श्रीलंकन बॉलर्स की कुटाई शुरू कर देता है। उन्होंने तो चौकों का हैट्रिक भी जड़ा है। शिखर धवन के साथ मिलकर उन्होंने 80 बॉल रहते 7 विकेट से टीम को जिता दिया। धवन ने भी नाबाद 87 रनों की कप्तानी पारी खेली और कप्तानी डेब्यू में टीम को जिताया। वेल डन टीम इंडिया, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो।